हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज हर क्षेत्र में देखा जाए तो कंप्यूटर का इस्तेमाल है वो किया जाता है, चाहे वो छोटे से स्कूल से लेकर बड़ा बैंक क्यों ना हो, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का उपयोग है वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, तो हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर का वो इस्तेमाल होता है। और आज के इस आधुनिक युग में कंप्यूटर का इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा होने लगा है। पिछले कई सालों से यदि आज के टाइम में तुलना करें हम लोग, तो पिछले कई सालों से हर साल में कई गुना कंप्यूटर का उपयोग है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कंप्यूटर का कितना उपयोग होगा। इसीलिए युवा पीढ़ी को आज के टाइम में कंप्यूटर का कुछ बेसिक या कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए या उन्हें कुछ कोर्सेस है वो करने चाहिए। वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जो आप 10वीं क्लास या 12वीं क्लास के बाद भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जिसके अंदर हम लोग ये सारे कोर्स है वो सीख नहीं पाते हैं या कवर नहीं कर पाते हैं, साथ में स्टडी भी तो करना होता है। यदि ऐसी स्थिति के अंदर आप लोग रहते हो, तब उस स्थिति के अंदर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है जिसके अंदर बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना बताया जाएगा, जिससे कंप्यूटर के कुछ बेसिक चलाना कैसे होता है ये सारा कुछ कंप्यूटर का वो बेसिक है वो क्लियर किया जाएगा। तो बेसिक है वो क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो कंप्यूटर का बेसिक है वो आप लोगों को आना चाहिए, बल्कि आप बड़ा कोर्स न करके यदि कंप्यूटर का बेसिक ही क्लियर कर लेते हो तो आज के टाइम में आप बहुत ही आसानी से वो कहीं पर भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर का यूज़ है वो ज़्यादा होने लगा है और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है वो कम लोगों को है। तो जिनको बेसिकली नॉर्मल जो बेस यदि कंप्यूटर का आता है वो भी बहुत ही आसानी से वो जॉब है या नौकरी मिल सकती है। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग 10th क्लास के बाद कौन कौन से कोर्स करें, 12th क्लास के बाद कौन कौन से करें, और एक्स्ट्रा कोर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक कोर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। यदि आप 10th क्लास के अंदर हो या 10th अभी आपने पास की है या 10th के अंदर अभी बढ़ रहे हो, अभी जस्ट 10th क्लास के अंदर आप आए हो, तो आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, उसके अंदर आपको कुछ कोर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे DCA है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये भी आप है वो 10th क्लास के अंदर कर सकते हो। DFA है, डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंट के अंदर भी आप ये DFA है वो कर सकते हो। और उसके बाद जो कोर्स है वो है DOA, डिप्लोमा इन ऑफिस, तो ये सारे आप है वो कर सकते हो। उसके बाद जो कोर्स है वो भी आप कर सकते हो CCPAM, इसकी फुल फॉर्म आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है स्क्रीन पे। उसके बाद आप कर सकते हो DDTP कोर्स, ये भी आप कर सकते हो जो डेस्कटॉप से रिलेटेड है। उसके बाद आप कर सकते हो DCA या फिर उसी को बोलते हैं DTP, तो ये भी डेस्कटॉप से रिलेटेड है। अब बात करते हैं आप जब 12वीं क्लास के अंदर आते हो तब कौन कौन सा कोर्स करेंगे, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट दिखाई दे रही है, तो मैं फुल नाम नहीं बोल के शॉर्टकट के अंदर बोल रहा हूँ, फुल नेम है वो आप खुद चेक कर लेना, क्योंकि मैं फुल नेम बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक आप कोर्स उसमें कर सकते हो ADCA, और उसके बाद यदि आप कोर्स करना चाहो तो कर सकते हो आप DHN, इसे डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, तो हार्डवेयर से रिलेटेड भी आप है वो कर सकते हो। उसके बाद कोर्स आता है ADFA, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंट के अंदर है, वो भी आप है वो कर सकते हो। उसके बाद करें कुछ एडवांस लेवल के कोर्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो,
या 12वीं क्लास पास करके हो रही है तब आप ये कोर्स है वो कर सकते हो, जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। और आप ये कोर्स है वो सारे के सारे 10th प्लस 12वीं में भी कर सकते हो। तो ये सारे कोर्स है वो आपको आना ही चाहिए। अब बात करता हूँ मैं कंप्यूटर के कुछ बेसिक सिस्टम की, जो कंप्यूटर का बेस होता है, मतलब एक तरह से मान लो मकान की जैसे अपने नींव रखते हैं तो सारा मकान है उस नींव पे ही टिका होता है। तो कुछ कंप्यूटर के अंदर हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। तो कंप्यूटर के अंदर बेसिक होता क्या है? अगर कंप्यूटर के बेसिक कोर्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटर को ऑपरेटिंग करने के बारे में बताया जाता है और कंप्यूटर के कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, जिससे आप एक सामान्य कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर में आपको कौन कौन सी जानकारियाँ दी जाती है इसकी सूचना भी मैं थोड़ी बहुत दे देता हूँ, ज़्यादा डिटेल से नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, कंप्यूटर ऑपरेट करना होता है सबसे पहले सिस्टम बात ये होती है। कंप्यूटर को ऑपरेट करना एक बड़ा काम है, लेकिन बेसिक कोर्स में आपको सिर्फ कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना बताया जाता है, और हाँ कौन सा सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं और कहाँ पर इसके कौन से सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में कौन सा नया सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट करते हैं, ये सारी बातें आपको बताई जाती है। तो मैं फटाफट सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको डिटेल बाय डिटेल एक एक करके बता देता हूँ। बेसिक में हम लोग पहले तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करना सीखते हैं, और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करने के बाद सॉफ्टवेयर है वो जाता कहाँ है वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। सपोज मान लो मैं कोई भी मेरा एक फोल्डर है जिसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर है वो ओपन करने वाला हूँ, तो ऐसे ये आपके सामने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर वो नज़र आ रहे होंगे। तो इन सॉफ्टवेयरों को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको दो बार क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पर करके, या जो इसके टर्म कंडीशन आती है उसको एक्सेप्ट करके हम लोगों को इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद में ये जितना भी जो इंस्टॉलेशन होता है वो सारा का सारा सी में जाता है प्रोग्राम फाइल के अंदर। तो ये तो रहा नॉर्मली बेसिक सी बात कि सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर जाता कहाँ है, सी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम लोग कोई फाइल्स जो डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से और वो बीच में मान लो 60% या 70% हो जाती है डाउनलोड, उसके बाद बीच में रह जाती है कुछ फाइल, तो वो फाइल भी हमारे टेम फाइल के अंदर हम लोगों को मिल जाती है जितनी डाउनलोड की हुई होती है उतनी। तो नॉर्मली ये बेसिक बातें थी, बेसिक फंडा था। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले, अब दोस्तों बात करते हैं नोटपैड की। तो नोटपैड सॉफ्टवेयर है वो पीसी के अंदर ही आता है, आपको बाहर से उसको इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली हम लोग नोटपैड है वो किस काम में लेते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने जैसे मान लो नोटपैड यहाँ से ओपन किया, तो नोटपैड पे आप कोई भी एप्लीकेशन टाइप कर सकते हो, या आपको कुछ डिटेल्स टाइप करके रखनी है तो वो यहाँ पर आप टाइप करके और उस फाइल को यहाँ से आप वो सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, उसका प्रिंट निकाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड है आपको क्या करना है। यहाँ से आप फॉर्मेट करके फॉन्ट चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत हिंदी फॉन्ट लेना चाहो या इंग्लिश फॉन्ट, तो यहाँ पे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन के अंदर वो टाइप करना चाहते हो, हिंदी में या इंग्लिश में। तो ये बेसिक सी बातें नहीं, कुछ फाइल्स होती हैं जो नोटपैड के अंदर है उनको भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो ये रहा बेसिक नॉर्मली नोटपैड के अंदर, तो इसको आपको बाहर से या कहीं से इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे पीसी के अंदर ही इंक्लूड आता है। हम बात करते हैं वर्ड पैड की, ये रहा, तो ये भी कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड आता है और इसको भी हमें बाहर से इंस्टॉलेशन करना नहीं पड़ता। ये सेम टू सेम नोटपैड की तरह ही है, लेकिन हमें इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर मिल जाते हैं जिनका हम लोग उपयोग करके बहुत सारे जैसे फ़ोटोज़ वगैरह ये सब इसके अंदर हम लोग ला सकते हैं। जो टेक्सेस होते हैं उनको दाएं बाएं लिख सकते हैं, ऐसा बहुत सारा फंक्शन होता है। तो मैं इसको डिटेल से चलाना सिखाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, यदि आप को पूरा वन बाय वन हर चीज़ को डिटेल से बेसिक क्लियर करना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। यदि ज़्यादा कॉमेंट आया तो मैं किसी एक सॉफ्टवेयर पर पूरा डिटेल से वीडियो बना दूँगा या बेसिक का पूरा वीडियो बना दूँगा, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है, ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आप लोग यदि कहोगे तो मैं
बना दूंगा। तो ये थोड़ा नोटपैड से एडवांस सॉफ्टवेयर होता है और हमारे पीसी के अंदर ही इंक्लूड आता है, और इसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पे आगे जाएंगे। तो बेसिकली पहले हमें ये आना चाहिए, तब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर पाएंगे। और उसके बाद आता है दोस्तों पेंट, तो हम लोग पेंट भी इसके अंदर है वो कर सकते हैं। ये रहा, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये पीसी के अंदर ही इंक्लूड आता है, तो इससे हम लोग पेंटिंग की डिज़ाइन विजाइन बना सकते हैं। और बहुत कुछ ऐसा फंडा है, जैसे मान लो मैंने ये तीर बना दिया, अब मुझे इसमें कलर डालना है, तो मैं यहाँ से जैसे मान लो यहाँ मैंने तीर बना दिया, मैंने इसमें एक कलर ले लिया, और आप वैसे सारा का सारा सिस्टम है वो इसके अंदर कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे मैंने ये बना दिया, आपको कलर कौन सा लेना है, ये लेना है, ये लेना है, तो मतलब आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहो यहाँ पे वो डिज़ाइन है वो बना सकते हो। तो ये भी एक पीसी के अंदर ही इंक्लूड सॉफ्टवेयर है, इसको भी हम लोग है वो बाहर से इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, बेसिक मैं नॉर्मल कराऊंगा, यदि आप कमेंट के अंदर करते हो तो मैं पूरा डिटेल से वीडियो बना दूंगा, आप जिस सॉफ्टवेयर का बोलोगे उस पर डिटेल से बना दूंगा। और उसके बाद दोस्तों आता है एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी मैं डिटेल से बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उसके अंदर भी बेसिकली हम लोग है वो मान लो कि आप वर्ड पेड की तरह ही काम होता है, वर्ड पेड थोड़ा उनसे एडवांस नहीं होता, बल्कि एमएस ऑफिस होता है वो थोड़ा उनसे एडवांस होता है। तो उसकी बात भी हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से बताऊंगा एमएस ऑफिस के बारे में, कि हम लोग उनसे कैसे सीट वगैरह बना सकते हैं, सैलरी भी हम लोग स्टाफ की उसमें मैनेज कर सकते हैं, तो वो मैं सारा अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको, अभी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ नॉर्मली। उसके बाद लास्ट यदि हम लोग बात करें, यदि आप बेसिक कंप्यूटर का करते हो तो उसमें आपको इंटरनेट सिखाया जाता है। इंटरनेट कोर्स में आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे कि आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, किसी के पास ईमेल कैसे भेजते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन इंटरनेट से रिजल्ट देखना सिखाया जाता है, ऑनलाइन सरकारी नौकरी के फॉर्म कैसे भरते हैं, ये सब सिखाए जाते हैं। तो यह है सभी सॉफ्टवेयर और जानकारी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए, और आप यदि इनमें से कोई भी किसी एक सॉफ्टवेयर पर डिटेल से वीडियो बनाने के लिए बोलोगे तो मैं उस पर डिटेल से एक वीडियो भी बना दूँगा। तो दोस्तों ये सारे कोर्सेस हैं वो आप इजीली ये वो कर सकते हो, यदि नहीं करते हो तो मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा कि कंप्यूटर का बेसिक है वो क्लियर ज़रूर कर लें। जब आप 10th में या 12th क्लास पास आउट हो जाते हो तब उस समय कंप्यूटर का बेसिक है वो ज़रूर क्लियर कर लें, क्योंकि आगे इन फ्यूचर आपको बहुत ही काम आने वाला है। यदि आज की जनरेशन को देखा जाए और कंप्यूटर की बढ़ती कगार को देखा जाए तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है वो आना ही चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाले हैं आपको टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।